दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद अब यूपी का मेरठ विकास प्राधिकरण भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने शहर में इमारतों में मौजूद बेसमेंट को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने 3 जिम और 1 लाइब्रेरी भी सील की है। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर में मौजूद इमारतों में बेसमेंट का खाका खंगाला गया। इस दौरान मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम शहर के गंगानगर इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने अवैध रूप से चल रहे 3 जिम और 1 लाइब्रेरी को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण के द्वारा शहर का सर्वे कराया गया था, जिसमें 66 बेसमेंट चिन्हित किए गए। वहीं प्राधिकरण की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जिला अधिकारी मेरठ दीपक मीणा ने कहा कि प्रशासन के द्वारा ऐसे बेसमेंट को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है या फिर वहां पर क्लासेस चल रही हैं। टाइम टू टाइम ऑलरेडी भी इसी टाइप की जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा होती है, क्लासेस होती है, तो पहले भी हम लोगों ने चेक करवाए थे। इसके अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी अपना सर्वे स्टार्ट कर दिया कि कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश हो। हम लोगों ने ऑलरेडी सभी कंसर्न SDM, CO, ACMs को लेटर लिख दिया है कि सभी लोग अपने क्षेत्रों में चेक करवा लें कि इस टाइप के बेसमेंट में बिना परमिशन के कोई ऐसा स्ट्रक्चर में कहीं गैदरिंग या कोई कोचिंग तो नहीं चल रही है। तो लगातार उस पर सर्वे चल रहा है और जैसे भी होगा, जैसे भी आगे कार्रवाई होगी, हम आप लोगों से शेयर करेंगे। उधर बरेली शहर में भी अवैध बेसमेंट के निर्माण को लेकर BDA के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अधिकारियों ने सार्वजनिक सूचना जारी कर अवैध बेसमेंट या स्वीकृति के विपरीत चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही पार्किंग के स्थान पर अन्य गतिविधियां संचालित करने पर भी कार्रवाई के लिए चेताया है। एक तरफ प्रशासन चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग प्रशासन की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। बरेली में चल रहे लेवल अप फन जोन भी इन छोटी सी जगहों पर बेसमेंट में है। इस फन जोन में बच्चों और उनके माता पिता की भारी भीड़ रहती है। फन जोन में ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन है और ना ही आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम। हालांकि खाना पूर्ति के लिए 4 छोटे फायर एक्सटिंग्विशर हैं। हालांकि बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनी किंडन ने साफ कर दिया है कि बेसमेंट वाले भवनों का सर्वे करने के बाद अब उन्हें सील करने की कार्रवाई टीम ने शुरू कर दी है। ऐसे बेसमेंट जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, उन्हें सील किया जा रहा है। बरेली में लास्ट 3 दिन से BDA के द्वारा हम लोग जो बेसमेंट में 2 कैटेगरीज ऑफ इश्यूज है। एक तो बेसमेंट में पार्किंग के लिए पास है बट अन्य काम कर रहा है, कमर्शियल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, हॉस्पिटल, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इस तरह का अन्य यूज कर रहा है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहा है। उसके अलावा जो अनअप्रूव्ड है, जो बेसमेंट और बेसमेंट के अलावा भी जो अनअप्रूव्ड बिल्डिंग चल रहा है, उन लोग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहा है। 3 दिन से चल रहा है, आज भी टीम है, वो लगातार चलते रहेंगी। जो नियमानुसार नियम के हिसाब से जो पास है उसी पर्पज के लिए यूज करना है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान और बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।